बहुत झगड़े करने के बाद, बहुत उसको बोलने के बाद आज लेके जा रहा है, क्योंकि मेरा कुछ पोस्ट ऑफिस में काम पड़ा है पेंडिंग काफ़ी दिन से, उसको देखने के लिए जा रहे हैं और चिल्ला रहा है, बेल्ट इसकी खो गई है, लोअर पहन के जा रहा है, 10 बार सुना दी है और खिसे आ रहा है इतना बुरी तरीके से। तो देखते हैं वहाँ पे मिलते हैं आपको कि आया कि नहीं, हुआ कि नहीं मेरा काम। मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकती अभी फिलहाल, तो नहीं मिलेगी तो रेडी हो गए हैं जाने के लिए। अजय निकल चुका है और मैंने इतना लंबा कुर्ता पहना है, मैं इतने लंबे लंबे कुर्ते पहली बार पहन रही हूँ, और दिलवाए हैं 2 कुर्ते जो बहुत ही लंबे पर्दे वाले। भाई कितनी धूप है, जाऊँ जल्दी नहीं तो चिल्लाएगा फिर से, लेट हो गई। तो फिर देखते हैं आज हमारा काम होता है कि नहीं, आई विश कि हो जाए। गेट भी खुद ही से बंद करने पड़ रहे। तुमने बैग नहीं लिया? तो अभी हम पहुंच चुके हैं मानिकपुरा मोड़ पे, फिर इधर जा रहे हैं बेलघर की साइड, तो वहां हम जाएंगे पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस हम सही बोल रहे हैं ना? बहुत बार हमारे यहाँ की हिंदी बहुत खराब है यार, अंग्रेजी की तो बात छोड़ो, हिंदी भी खराब हो रहा है। पोस्ट ऑफिस इंग्लिश का। अच्छा वैसे क्या बोलते हैं, दफ्तर? डाक खाना। सॉरी डाक खाना जा रहे हैं। तो हम अपनी मंजिल के बहुत करीब आ चुके हैं, पर हमें दिख नहीं रहा है हो रहा, तो क्रॉस करके जाना पड़ेगा। हम हाँ दौड़ के अब रुक जाइए, अब जो कार निकल जान दिए, बहुत स्पीड में आ रही, मैं ठोक के चली जाए, दौड़ लगा रहे। 1, 2, 3 मेरा यहीं पे आ गया, यहीं आया था ना। आई विश आ जाए, माता रानी आ जाए, सच्ची बता रही हूँ, लड्डू बांटूंगी मैं मोहल्ले में अगर मेरी चीज़ें अगर सही हो गई आज, तो फिर आज शाम को लड्डू बंटवा दूंगी। अभी लग रहा है टाइम थोड़ा सा, उन्होंने बोला कि वेट करो शायद आया होगा, तो मैं अभी आपको देखते हैं, तो वेट कर रहा हूँ। हमारी बाइक नहीं दिख रही है, दूर खड़ी कर रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं कितनी दूर हैं हम अपनी बाइक से, ये थोड़ी सी दिखी। शायद दिख रही होगी आगे की साइड का हिस्सा दिख रहा है, बस पता नहीं आगे का दिमाग कहाँ चल रहा है। हमें जाना था विशाल में और मुझे ले गया आगे, तो मैं इसको बोली विशाल तो ये है। कभी कभी दिन खराब होते हैं, तो वहाँ जहाँ मैं गई थी वहाँ मेरा काम हुआ नहीं, बहुत तेज आया गुस्सा, फिर गुस्से में कुछ कर तो सकते नहीं है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। फिर हम आ गए हैं विशाल, क्योंकि प्रिंसी को चाहिए थे टॉप और लोवर, तो वो खरीदते हैं और फिर घर जाएंगे। अभी घर है शायद, इसीलिए नो भीड़, कोई भी नहीं दिख रहा है, 1-2 लोग गिने चुने नज़र आ रहे हैं। तेरी ही गलियों में टी शर्ट बच्चों की नहीं है, बड़ा साइज है, नहीं आया तो कुछ आया।
पागल हो, प्रिंस की माँ के आएगी है। ये बड़ा साइज है, क्रॉप टॉप नहीं है, टी शर्ट है, बट बड़ी। बच्चे वाले फ्लोर पे होंगे। स्टूल लेके कहीं जा रहा है ये। यहाँ चेंजिंग रूम ठीक बना रखे हैं, यहाँ चेंजिंग रूम ठीक बना रखे हैं। तो अभी देखते हैं बच्चों के कपड़े गर्मियों के। यही था बच्चों का ऊपर पहुंच गया, मतलब ये खरीद गया है, बाय आ गया, चेंज कर दिया। यहाँ पे तो बॉयज जीन्स, बॉयज टी शर्ट एंड शर्ट। हाँ ये है बच्चों का। तो अभी देखते हैं पिन्ना के लिए टी शर्ट लोअर डब्बों में। फालतू में पागल लंका सोल जी के कपड़े होते हैं, तो वो उसका कभी कपड़ों से मन भरता है? इतनी सारी ड्रेसेस होने के बाद भी ना उसकी यही कंप्लेन रहती है। नेक्स्ट मंथ मैं ऊपर फ्लोर पर राशनिंग लेने तो हमें तो ये चावल बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और कॉस्ट ठीक है, 90 के, 90 रुपए के 1 kg। पक्का नूडल्स के अभी बच्चों के लिए नूडल्स ले रहे हैं। कितनी नूडल्स अच्छा लगता है, ये फर्स्ट क्रॉप का है ना, विशाल का खुद का ब्रांड, बाय वन गेट वन फ्री, एक पैक फ्री मिल जाएगा ना इससे। तो ले ली। और इसका टेस्ट का कोई भरोसा नहीं है भाई, टेस्ट देखना पड़ेगा, पहली बार चीज़ खाएंगे तो। तो आप लोगों को क्या चाहिए कमेंट में बताओ, हम जो भी चाहिए हो आप मुझे बता दो, आपके घर भिजवा देंगे। तो छोटे छोटा आइटम बताना, जैसे कि अचार, अचार मेरा बहुत फेवरेट है, सॉस, और ये क्या है, सिमई, बहुत सारी वैरायटी है वैसे तो यहाँ, गुड्डे बिस्किट, इतने सारी बिस्किट। मेरे पर्सनली मेरे लिए, वाह, वैसे मुझे पर्सनली खाया नहीं जाता कुछ भी, शेयरिंग करके खाती हूँ, शेयरिंग इज केयरिंग। दूसरा पैकेट ले लो ना, जो कि दो दो ड्रेसेस ही हैं, और थोड़ा सा राशन लेते हैं फिर चलते हैं घर। सारी टूटी पड़ी हुई है, ये भी नहीं का ब्रांड है, ये भी नहीं का ब्रांड है, ये काजू रेस्टोरेंट ने अपना खुद का ब्रांड बना लिया। हमें आज पता चल रहा है क्योंकि हम ध्यान ही नहीं देते हैं। लुल नहीं है, काफ़ी दिन के बाद आ रहे हैं। मुझे ये शैम्पू चाहिए था, हाउ मच कॉस्ट, हम उसको इतना महंगा दे के बॉटल फेंक के भाग गया। सीरियसली मुझे ये चाहिए था शैम्पू, वियर, इससे हेयर फॉल नहीं होता है, तो ये शैम्पू चाहिए था। और ये कह रहा है नेक्स्ट मंथ लेना, महंगा है, रख देते हैं। अब ब्लॉग बना रही हूँ मैं। मुझे परफ्यूम भी चाहिए था, एक्स का परफ्यूम है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और कोई ब्रांड यहाँ पे है नहीं। हाँ माउथ वॉश
65 माउथ वॉश चाहिए था, ये मैंने ले लिया है क्योंकि इसके बिना मेरी चीज़ें ख़राब रहती हैं, तो मुझे माउथ वॉश तो इम्पोर्टेंट है लेना। और पेस्ट सेंसोडाइन है नहीं जो मम्मी ने बताया था, यही चाहिए। शैम्पू नेक्स्ट मंथ। माउथ वॉश पूसा का है। तू कितनी ब्रेड खाता है? ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं पर यूज़ करो तो लेके जाओ ना। मुझे ये वाला इंडक्शन अच्छा लगा, इसको भी ले चले। इंडक्शन ऑलरेडी है ना घर पे? हाँ इंडक्शन है घर पे। चिकन ऐसी तरीके से बना सकते हैं। हाँ इसका वो आएगा जाली, इसके ऊपर चिकन फ्राई कर सकते हैं। टैंडम की प्रोडक्ट रखते हैं, टैंडम इनकी कोई डील होगी इसलिए सारे प्रोडक्ट टैंडम के ही हैं। उषा का लिया है, ऐसी बात नहीं, ये लेके चलना चलना है तो माइक्रोवेव बजाज का है। ब्लैक भी अच्छा लग रहा है, आप लोग देखो ब्लैक अच्छा लग रहा है या वाइट? ये कौन सी कंपनी है? प्रेस्टीज। ये है बजाज, टेंडा। तो मेरे को ना प्रेस्टीज पे भरोसा है, बजाज पे भी है पर इसका कोई आइडिया नहीं है। मैं कब से बोल रही हूँ ये वाला चूल्हा ले ले, ये वाला चूल्हा ले ले। हम लोग क्या प्राइस है इसके? 4,299 यानी कि 4,300 का है, 200 रुपये कम, 4,500 का। नहीं तीन वाला नहीं, चार वाला। कुछ चीज़ें घर की साइज के हिसाब से भी लेके जाई जाती है। हाँ अपनी स्लिप पतली है। ये देखो ये सिंगल वाला कांच का मटेरियल है। तो ये सारे कांच के ही होते हैं भाई, मुझे येलो कलर का नहीं दिखता है चूल्हा। सीरियसली मैं अपनी किचन में येलो कलर का रखूंगी। हम तो है ही, तुम्हें आज पता चला। सॉरी माई मिस्टेक। ये बताया था ना तुमको? प्रेस प्रेस, हाँ भाई तूने बोला था नेक्स्ट मंथ प्रेस ले लियो, क्योंकि वो जो प्रेस है ना वो थोड़ी सी अजीब और गरीब है। ये उषा की है, लिपस्टिक है। पैसे के नेक्स्ट मंथ ले तो सब नेक्स्ट मंथ, क्या थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगी ना इस मंथ। हेयर ड्रायर ले सकते हो जी, तो बिल्कुल जरूरत सीरियसली हेयर ड्रायर। तो बहुत बार बोलने के बाद कि कुछ ले ले अपने लिए, पर्सनली ले ले, तो सीरियसली आप लोगों को पता है मैंने पर्सनली क्या लिया है? केक। ये मुझे अच्छा लगता है इसका टेस्ट और फ्लेवर, तो मैंने ये लिया है अपने लिए पर्सनली। मैं ये खाऊंगी जाके। आप कुछ नहीं लिया? माँ को सब लिया है। मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। मेरे पास गाड़ी तो नहीं है, बैग पे बिठा सकता हूँ। आ जाओ मेरी बैग में बैठ जाओ, पैग लगाएंगे। ठंडी ठंडी वैसे। ये भी 19 रुपये का है यार, कूल लग रहा है। इसमें छोटे छोटे लिटिल लिटिल पैक लगा सकते हैं। करो फिर से करो। हो गया।
वन टेक आर्टिस्ट दोबारा ले सकते हैं। अंग लगा दे, मुझे रंग लगा दे, मैं तो तेरी। ओए भाई एक कप दिलो, मैं सुबह सुबह मेरे पास चाय पीने के लिए कॉफी पीने के लिए मग नहीं है। बंद कर पहले तो बता। बंद नहीं है तब बता। ये वाला मग अच्छा लग रहा है। कितनी टट्टी पसंद हो तेरी तेरी दिल। ये अच्छा लग रहा है। How much cost? 200 रुपए का मग है ये। सस्ता है। 200 रुपए का। ये ब्लैक वाला। भाई ब्लैक अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारे विशाल इटावा विशाल में इस तरीके के मग है। तो अगर आप कभी भी इटावा हैं तो मग जरूर खरीदिएगा, गाइस अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं। हाँ। उसने मुझे मग नहीं दिलवाया, बोतल इतनी खरीदता है बहुत ज्यादा, जब देखो तब बोतल खरीदता रहता है। पगला, मैं चॉइस कर दूं? मैं तो कुल्फी जमाने का भी टाइम आ गया है, हम कुल्फी भी जमा सकते हैं। ये डब्बू के लिए भी चाहिए, उनकी बोतल खराब हो रही है। मैं उनकी छुट्टियों के बाद लूंगी। हद है, कितनी सारी बोतलें घर पे, पागल हो गया तू, कहीं भी जाएगा बोतल उठा लेगा। पिंसी ले लिया भाई, आधी से ज्यादा बोतल भाई छोड़ दी। हाँ तो ये तुम क्या समझते हो, वो ही लेके जाएगी स्कूल। तुम दोनों बहुत तो शॉपिंग हो चुकी है और चलते हैं घर। वैसे टॉप तो अच्छा लग रहा है, पर बहुत सारे टॉप होने के बाद भी अगर मैं अगर बोलूँगी कि मुझे टॉप लेना है तो बस मेरे पे डांट पड़ेगी, और डांट अभी खाने के मूड में नहीं हूँ। तो नेक्स्ट बार देखते हैं। कर आ रहा है भी। अब भी अजय कर आ रहा है भी। ये जब देखो तब बोतल खरीदता रहता है, इतना प्यार दिखा रहा है बोतल को। बेटा जी तुम्हारे पास तो रहने वाली है नहीं, तुमसे तो मिलेगी जिम में जाके रख दोगे तो क्या मैं बताऊंगी नहीं लॉकर में। फिर मतलब ही क्या है तुम्हारा बोतल खरीदने का। बेटा तो कल ले जाओगे ना, शाम तक ले जाओगे ना, दोपहर में तो ये घर जाएगी ना। नहीं मैं बता रही हूँ। हाँ मुस्क जिंदगी में थप्पड़ मारूंगी, हर महीने तू बोतल लेता है। पिछले मंथ भी धानी हुई थी तब तू बोतल लेके आया था मिंटन की, उससे पिछले प्लास्टिक की थी। आज बहुत शांत शांत है सब। इसको इतना अच्छा लग रहा है कि ये जो सब्जी है ना, ये इसने तीन बार है ना, ये थर्ड बार है जो इसने इसमें कटोरी में डलवाया है। ठीक है खाओ आराम से, और अच्छे से मस्त पिंपल्स निकाली हूँ अपने फेस पे, दाने दाने। तो अभी हम आए हैं पीनट बटर लेने। हमें तो नहीं लगता 1 kg का है इनके पास। अच्छा हाँ चॉकलेटी फ्लेवर। ये नया खुला हुआ है ना,
या फिर हम आए होंगे पहली बार। हाँ हम ही पहली बार आए। चॉकलेट की भी वैरायटी देखी है। हाँ कितना, 1 kg का है? हो जाना चाहिए वैसे। नहीं मैं कहीं खेल रहे थे। हाँ थैंक यू। ब्रेड और दे दो, ब्रेड दे दो, ब्राउन ब्रेड नहीं है? नहीं ब्राउन नहीं चाहिए हमें, तो ये मैडम जूस पी रही हैं और जूस पीते हुए इतना दिखावा कर रही हैं। क्यों करती इतना दिखावा? मैंने भी पिया पर मैंने दिखावा नहीं किया। मेरी बेइज्जती करता कुछ नहीं, मैं दिखावा नहीं कर रही, बैठ गई थक गई। वैसे जूस कौन पीता दिखा ऐसा कुछ नहीं कि दिखा के जूस पी रहे हैं, ये बोलता है। हम आ चुके हैं घर, थक गए, बहुत धूप है। और घर पे आके देखा, हम बोल के गए थे कि हमें शूट करने आए के शॉर्ट वीडियो को, मम्मी आराम से इन्वर्टर में टीवी पंखे सब चला के बैठी, इन्वर्टर खत्म करती है। और आज शूट भी मेरा कैंसिल हो गया क्योंकि अब लाइट आएगी 5 बजे, 5 बजे भी आए। हाँ अब देखते हैं इन्वर्टर का क्या सीन है, अगर होगा तो फिर करते हैं शूट। अभी पूरी दोपहर पड़ी है, 5-6 बजे शाम को लाइट आएगी। तो आज का ब्लॉग में यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गैस बाय बाय। और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट करो वीडियो पे और वीडियो शेयर करो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय बाय।